एक अहम खबर दें आपको, पंजाब में इंतकाले इक्तदार का मामला, गवर्नर की तहफ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर ममलिकत को मौसूल हो गई। वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है, रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया। गवर्नर पंजाब ने सदर ममलिकत को 6 सफात पर मबनी रिपोर्ट इरसाल की। पुलिस को खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। मजीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? आज बिल्कुल पंजाब में जो इंतकाले इक्तदार का मामला है, गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट, फिर एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट और फिर दीगर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बाद जो है वो अपनी एक 6 सफात पर मबनी रिपोर्ट जो है वो सदर ममलिकत डॉक्टर अरफ अलवी को भेजी है। जो रिपोर्ट उन्हें मौसूल हो गई है, इस रिपोर्ट में गवर्नर पंजाब का कहना है कि वजीर आला का जो इंतखाब है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार का वजारत आला से इस्तीफे का स्टेटस ऐसे ही है जैसे गवर्नर को कभी यह इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ, क्योंकि यह गवर्नर की बजाय जो है ये वजीर आजम इमरान खान के नाम लिखा गया और आइन के आर्टिकल 103 की सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी की गई। ये भी इस रिपोर्ट में जो है वो डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट भी जो है वो जेरे बहस लाया गया है और साथ ही साथ जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में जो ये केस चला है इसके हवाले से भी कुछ नकात को दर्ज किया गया है। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अवाम में वजीर आला के इंतखाब के आइनी खिलाफ वर्जियां जो है उनकी वो निशानदेही कर रहे हैं और वजीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वजीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर्ड है और पुलिस को खिलाफ रूल ऐवान में दाखिल किया गया और कान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन की स्ट्रेटेज शेड्यूल के मुनासिब तरीकाकार इख्तियार करके करवाई गई और गवर्नर की भिजवाई गई रिपोर्ट में ये कहा गया कि वोटिंग में सेकंड शेड्यूल को नजरअंदाज किया गया। रूल 21 रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक स्पीकर ने नतीजे से आगाह करना होता है। गवर्नर ने जो है वजीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमिन होना जरूरी होता है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाजे है क्योंकि उसमें आइन के तकाजे पूरे नहीं हुए। ऐसे में तमाम हकाइक बयान करते हुए सदर ममलिकत से आइनी रहनुमाई मांगी है कि उन्हें एडवाइस किया जाए कि सदर ममलिकत से आइनी रहनुमाई मांग ली है। गवर्नर ने, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।